Hey guys, welcome back to my channel and today I'm going to share fluffy zebra cake, how you can make fluffy zebra cake at home. So इसके लिए मैंने जैसे कि हम वनीला केक बनाते हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन इसमें मैंने चॉको जो हर्शीज का चॉको फ्लेवर आता है वो मैंने मिक्स कर लिया, एक पार्ट में और एक पार्ट हमारा प्लेन रहेगा। हम इसको यहाँ पे जो वेसल है केक बनाने का उसको ग्रीस करके उसमें थोड़ा सा मैदा मिला लिया है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ही दोनों पेस्ट को डालेंगे जिसलिए कि दो कलर आ जाए। तो पहले मैंने प्लेन पेस्ट डाला है इस तरह से और इसके जस्ट ऊपर हम दूसरा जो हमारा चॉकलेट का फ्लेवर है जो वो कलर है उसको हम इसमें डालेंगे। और ये प्रोसेस हमको जब तक हमारा ऊपर नहीं आ जाता तब तक हमें करते रहना है। तो इसके बाद हम फिर से प्लेन डालेंगे और यही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। इसके बाद उसके ऊपर हम चॉकलेट का फ्लेवर डालने वाले हैं। ना हमारा पेस्ट यहाँ पे हो गया है रखना जितना हमको रखना था। उसके बाद हम इसमें अब डिज़ाइन लाएंगे, तो वो मेन पार्ट है ज़ेब्रा केक बनाने का। पहले तो हम इसको अच्छे से इसको हम टक टक करके कर लेंगे जिसलिए कि जितना भी इसमें मॉइस्चर है और जितना भी इसमें एयर है निकल जाए। उसके बाद टूथपिक या किसी भी निकली चीज़ की मदद से हम इसको ऐसे शेप देंगे। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से शेप देना है, एकदम ज़ेब्रा केक की तरह लुक आएगा इसका। तो ये हमारा हो गया है और हम इसको वेसल में रख देंगे। बस पूरी रेसिपी जानने के लिए केक बेक कैसे करना है आप मेरा और वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा केक तैयार हो चुका है और अब मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें शेप आया है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है बट दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और ये रहा और मैंने अब इसको कट कर लिया है और इस तरह आप देख सकते हैं ज़ेब्रा का पूरा शेप आया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स।